हेलो दोस्तों, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 13th of July 2021। और आज हम बात करने वाले हैं माइंड ट्री के बारे में, यानी कि माइंड ट्री के रिजल्ट्स के बारे में। माइंड ट्री का रिजल्ट जो है 13th of July को अनाउंसमेंट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब माइंड ट्री के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं माइंड ट्री के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम उस PDF कॉपी पे आ चुके हैं जिसको जो है माइंड ट्री ने जो है वो सबमिट किया था एक्सचेंज को। अगर बात करते हैं माइंड ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है 7.7% से माइंड ट्री का जो रेवेन्यू है वो ग्रो हुआ है। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में, तो 22.6% से जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं माइंड ट्री के जो है ऑर्डर बुक के बारे में, तो वो ग्रो हुआ है 34.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम बात करते हैं उसका जो डेटर कलेक्शन पीरियड्स, यानी कि जो डेटर के पास से जो अपना जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो है 57 डेज, यानी कि जो है कंटिन्यूस एफर्ट करके उसको है जो है कंपनी ने रिड्यूस किया, वो एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है दोस्तों। तो ये थे माइंड ट्री के कुछ की पैरामीटर्स जो कि हमने देखे। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू जो है कंपनी का 8.6% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 20.1% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में कंपनी के, तो 8.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। और वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 61.2% से इंक्रीज हुआ है। अगर बात करते हैं कंपनी के डाइल्यूटेड EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो 8.2% से इंक्रीज हुआ है। और अगर बात करते हैं उसमें ईयरली बेसिस पे, तो 61.1% से इंक्रीज हुआ है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के अदर की रेवेन्यू मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम जियोग्राफिकली, यानी कि जो है जियोग्राफिकली कंपनी को किस टाइप की रेवेन्यू जनरेट होती है किस टाइप के जियोग्राफिक एरिया से। तो उनमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो वहाँ से कंपनी की टोटल 76% की रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होती है नॉर्थ अमेरिका से। उसके बाद कॉन्टिनेंटल यूरोप और UK और आयरलैंड की बात करें, तो उसमें 8.6% और 7.6% रिस्पेक्टिवली जो है रेवेन्यू जनरेट होती है। और उसके बाद बात करते हैं एशिया पैसिफिक और मिडल ईस्ट की, तो वहाँ से 7.2% से कंपनी की जो है रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू बाई इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रीज के हिसाब से रेवेन्यू, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से 18.2% की रेवेन्यू जनरेट होती है। कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी से जो है 45.4% की रेवेन्यू जनरेट होती है। उसी तरीके से रिटेल हो गया, कंज्यूमर पैकेजिंग गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग से 22.1% की रेवेन्यू जनरेट होती है। वहीं से ट्रैवल ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटलिटी से 13.3% और हेल्थ केयर से 1% की रेवेन्यू कंपनी को जनरेट होती है। दोस्तों, अगर हम उसी तरह कंपनी के रेवेन्यू व सर्विस लाइन की बात करें, तो कस्टमर सक्सेस से 40% रेवेन्यू जनरेट होती है। डेटा इंटेलिजेंस और क्लाउड से 15% और 19.9% रिस्पेक्टिवली रेवेन्यू जनरेट होती है। और एंटरप्राइज IT से 25.1% की रेवेन्यू जनरेट होती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू बाय क्लाइंट्स के बारे में, यानी कि किस क्लाइंट से कितने परसेंट की रेवेन्यू जनरेट होती है, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के टॉप क्लाइंट की। तो टॉप क्लाइंट से कंपनी की 27.4% की रेवेन्यू जनरेट होती है। और उसके बाद टॉप 5 क्लाइंट से कंपनी को 38.5% की रेवेन्यू जनरेट होती है। और उसी तरीके से टॉप 10 क्लाइंट से 47.5% की रेवेन्यू जनरेट होती है। और जो टॉप 20 क्लाइंट है उनसे मेजर रेवेन्यू, यानी कि 60% रेवेन्यू जो है कंपनी की वहाँ से जनरेट होती है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंपनी के जो है फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में, तो उसमें जो है कंपनी ने क्वार्टर एंडेड June 13, 2021 को जो 22,970 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट की है। अगर हम बात करते हैं सेम क्वार्टर की, यानी पिछले साल की, तो June 30, 2020 को जो है कंपनी ने 19,088 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट की है, यानी कि कंपनी की जो रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। वहीं कंपनी ने अदर इनकम जो है 780 करोड़ रुपीज़ की जनरेट की है। वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर में 406 करोड़ की जो है रेवेन्यू जनरेट की थी। दोस्तों अगर हम उसमें फर्दर बात करते हैं तो कंपनी की जो होती है कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर दिस पीरियड, यानी कि इसके बारे में बात करते हैं, तो कंपनी को कितना जो प्रॉफिट हुआ है वो हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टर एंडेड June 2021 की, तो उसमें जो है कंप्रिहेंसिव इनकम कंपनी की जो है 3,404 करोड़ रुपीज़ की हुई है,
लेकिन अगर हम उसी सेम क्वार्टर की जो है प्रीवियस ईयर में बात करें तो 3024 करोड़ रुपीज़ की जो है कंप्रीहेंसिव कंपनी को इनकम हुई थी, यानी कि कंपनी के जो है इनकम में यानी कि प्रॉफिट में जो है ग्रोथ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर हम फर्दर उसमें बात करते हैं कंपनी के ऑडिटेड सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में, यानी कि किस सेगमेंट में कंपनी को कितनी जो है अर्निंग हो रही है उसके बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों अगर हम उसमें सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की, तो जो है रिटेल, कंज्यूमर पैकेजिंग गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो उसमें से जो है कंपनी को 5059 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर बात करते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में, तो उसमें से कंपनी को 4162 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होती है। वहीं कम्युनिकेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी से 10420 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट होती है। वहीं ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटलिटी से 3063 करोड़ और हेल्थ केयर से 223 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट होती है। यानी कि यह सेगमेंट वाइज कंपनी की जो है रेवेन्यू जनरेशन की हमको ने डिटेल दिखाई। दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसी ऑथेंटिक और जेन्यून इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो कैपिटल क्लाइंबिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।